सूरजपुर हत्याकांड में एनएसयूआई जिला अध्यक्ष गिरफ्तार, देख लीजिए। गाड़ी आई थी एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष की, तब इस पर खूब सियासत हुई थी, खूब राजनीति हुई थी, जिस घटना को लगातार दो दिनों से आपको दिखा रहा हूं, हजारों लाखों लोग देख रहे हैं विस्तार न्यूज। इस घटना की एक एक अपडेट केवल विस्तार न्यूज इतने विस्तार से दिखा रहा है, इसलिए आप भरोसा कर रहे हैं आपके अपने चैनल विस्तार न्यूज पर। जिस घटना से पूरा सूरजपुर दहल गया था, पुलिस के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे थे, उस घटना में आज कई खुलासे हुए हैं। सूरजपुर में मां और बेटी को मारने वाले कुलदीप साहू केस में आज बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। क्या खुलासे हुए हैं जानना चाहते हैं विस्तार से? पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ऐसी ऐसी जानकारी बताई है कि सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सूरजपुर में हुए डबल मर्डर से जुड़ा हर एक पहलू आपको बताऊंगा। हेड कांस्टेबल की पत्नी और बच्ची को किसने मारा, कैसे मारा, क्यों मारा, इस जघन्य हत्याकांड में कौन कौन शामिल था, इस घटना की पूरी परत खोलूंगा और सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। सूरजपुर में हेड कांस्टेबल तालिब शेख की पत्नी और बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, फिर लाश को घर से दूर ले जाकर खेत में फेंक दिया गया था। इस घटना से पहले दो पुलिस वालों पर खौलता हुआ तेल फेंक दिया गया, जिसमें एक पुलिस वाला बुरी तरह से झुलस गया। इन दोनों घटनाओं को अंजाम देने के बाद आरोपी कुलदीप साहू फरार हो गया, यह खबर मैंने आपको दिखा दी। पुलिस ने घंटों खोजबीन की, यह भी मैंने आपको बता दिया। कई टीमें लगाई गई, ये सब कुछ दिखा रहा हूं। कई जगह छापेमारी हुई, मेरा रिपोर्टर ग्राउंड से बता रहा है। तब जाकर पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी कुलदीप साहू को बलरामपुर से गिरफ्तार किया। सबसे पहली खबर विस्तार न्यूज ने दिखाई। रात भर आरोपी से पूछताछ की गई, अपडेट हमने दिखाया, जिसमें कई बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, आगे बताऊंगा, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लीजिए। देखिए, खून के जो निशान है यहां पे देखिए, हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी का जो हत्यारा है उसे बलरामपुर से लेकर पुलिस सूरजपुर पहुंच चुकी है। मुख्य आरोपी कुलदीप साहू और अन्य चार आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। एक विशेष जांच दल का गठन किया जा रहा है। पुलिस कर्मियों की इसमें प्रकरण में कोई लापरवाही थी अथवा संलिप्तता थी, इसकी सूक्ष्मता से जांच की जाएगी। बहुत बड़ी घटना थी, पूरे सूरजपुर का माहौल खराब हो गया था। जिस बच्ची और उसकी मां की हत्या को लेकर पूरा सूरजपुर जल उठा था, उस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने वाला कुलदीप साहू अकेले नहीं था। अब यहां से शुरू होती है आज की कहानी। अब तक जो बताया वो आप जान चुके हैं, लेकिन नई कहानी क्या है, नया मोड़ क्या है, नया एंगल क्या है, राजनीतिक कनेक्शन क्या है, ये सब आपको विस्तार से अब बताने जाने वाला हूं। उसके साथ चार और लोग थे। इन लोगों के साथ मिलकर कुलदीप साहू ने इस डबल मर्डर को अंजाम दिया था, साजिश रची थी। ये आरोपी कौन कौन थे और इनकी क्या भूमिका थी, ग्राफिक्स के जरिए समझा रहा हूं, सब कुछ दिखा रहा हूं, देख लीजिए। इस पूरी घटना का पहला मुख्य आरोपी कुलदीप साहू है। कुलदीप साहू एक आदतन अपराधी है, इस पर कुल 27 मामले दर्ज हैं और इसे जिला बदर भी किया जा चुका है। इसने मां बेटी की चाकू मारकर हत्या की और शव को खेत में फेंक दिया। इस घटना का दूसरा आरोपी चंद्रकांत चौधरी उर्फ सीके चौधरी है, ये एनएसयूआई का सूरजपुर जिला अध्यक्ष है। इसने मर्डर से लेकर शव को फेंकने में कुलदीप साहू का साथ दिया। साथ ही चंद्रकांत चौधरी ने 10 लीटर पेट्रोल भी कुलदीप साहू को भगाने के लिए मुहैया करवाया। तीसरा मुख्य आरोपी रिंकू सिंह है, जिसने मर्डर करने से लेकर शव को फेंकने में अहम भूमिका निभाई। इन तीनों मुख्य आरोपियों के अलावा आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी ने मर्डर के बाद अपनी टी शर्ट आरोपी को पहनने के लिए दी, ताकि कुलदीप साहू भागने में कामयाब हो सके, और आरोपी सूरज साहू ने कुलदीप साहू को भागने के लिए गाड़ी दिलवाई। मामले को लेकर, इस पूरे मामले पर जो आज खुलासा किया है रेंज के आईजी अंकित गर्ग ने, वो क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। लगातार हमारी
टीम उसको ट्रेस कर रही थी और फिर उसकी निशानदेही पर अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें रिंकू सिंह, सीके सिंह और संदीप कुलदीप साहू की हत्याकांड में मुख्य भूमिका है। गोल्डी साहू की भूमिका भी हत्याकांड और उससे रिलेटेड जो घटनाएं हैं उसमें उसकी भूमिका पाई गई है। एक अन्य आरोपी सूरज साहू जिसको हमने गिरफ्तार किया है उसके द्वारा आरोपी को भागने में मदद की गई है और इस बात के सबूत मिले हैं। प्रकरण में अभी विवेचना जारी है, इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल चल रही है। इस घटना को लेकर सूरजपुर पुलिस पर भी कई आरोप लग रहे थे। ऐसा कहा जा रहा था कि आरोपियों को पुलिस का संरक्षण मिला था, जिसके बाद आईजी अंकित गर ने एक विशेष जांच दल का गठन किया। ये जांच दल पुलिस की तरफ से हुई लापरवाही और संलिप्तता को लेकर जांच करेगी और 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी। इन आरोपियों ने ये डबल मर्डर क्यों किया और पूरा घटनाक्रम क्या है ये भी जान लीजिए, क्योंकि आज मैंने आपको वादा किया है कि विस्तार से सब कुछ बताऊंगा। दरअसल आरोपी कुलदीप साहू हेड कांस्टेबल तालिब शेख की कार्रवाई से परेशान था, जिसके चलते कुलदीप साहू हेड कांस्टेबल तालिब शेख से रंजिश रखता था। पुलिस है, पुलिस तो अपना काम करेगी, आप गुस्सा हो जाइए तो क्या मार डालेंगे। उस दिन कुलदीप साहू अपने दोस्त रिंकू सिंह, चंद्रकांत और गोल्डी के साथ पुराना बस स्टैंड पर मौजूद था। जब कांस्टेबल घनश्याम कुलदीप को पकड़ने गए तो उसने कांस्टेबल के ऊपर खौलता हुआ तेल डाल दिया, जिसमें कांस्टेबल घनश्याम बुरी तरह झुलस गए। इस दौरान उसने पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ाकर जान से मारने की भी कोशिश की। सब कुछ घटनाक्रम विस्तार से बता रहा हूं। फिर जब पुलिस ने पीछा किया तो पुलिस वालों पर फायरिंग करते हुए कुलदीप साहू भाग निकला। इसके बाद रात में वह हेड कांस्टेबल तालिब शेख के घर पहुंचा। वह कांस्टेबल तालिब शेख की हत्या करना चाहता था, लेकिन घर पर तालिब शेख के ना मिलने पर उनकी पत्नी और बच्ची को बेरहमी से मारना। यह घटना बहुत बड़ी थी, जिसके बाद इस मामले पर खूब राजनीति भी हुई। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर बड़े बड़े आरोप लगाए, जिस पर सरकार की तरफ से पलटवार भी किया गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात कुलदीप साहू के पॉलिटिकल कनेक्शन को लेकर सामने आई है। इस घटना को अंजाम देने के लिए कुलदीप साहू ने जिस गाड़ी का प्रयोग किया था उस पर बड़े बड़े अक्षरों में जिला अध्यक्ष NSVI लिखा हुआ था। इस घटना में कुलदीप का मुख्य रूप से साथ देने वाला आरोपी चंद्रकांत चौधरी खुद सूरजपुर NSVI का जिला अध्यक्ष है और इसी चंद्रकांत चौधरी ने घटना के दिन एक वीडियो बनाया था और वीडियो में कहा था कि कुलदीप साहू का NSVI से कोई संबंध नहीं है। वीडियो देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। दिखाइए। आज तक मैंने जितनी भी नियुक्ति जारी की है उसमें कुलदीप साहू का नाम कहीं पे अंकित नहीं है, जिसमें बार बार परेशान किया जा रहा है, भाजपा सरकार द्वारा दबाव दिया जा रहा है। जितनी भी नियुक्ति पत्र है उसमें कुलदीप नाम साहू कहीं पे अंकित नहीं है। ये जबरदस्ती भाजपा सरकार द्वारा हम कांग्रेस वासियों को जबरदस्ती अंधेरे में ढकेला जा रहा है। कितना शातिर है ये चंद्रकांत चौधरी, पूरी घटना में शामिल था और अनजान बनकर वीडियो भी जारी कर दिया और विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा था। समझ रहे हैं, विपक्ष बनकर सरकार पर, जबकि घटना में खुद NSVI का जिलाध्यक्ष शामिल था। मामले को लेकर क्या कह रहे हैं CM विष्णुदेव साय और पूर्व CM भूपेश बघेल, सुन लीजिए, सुनाइए। ये बदले की भावना से सब कार्रवाई कर रहे हैं। आपके पास ताकत है, सत्ता की ताकत है, इसके कारण से आप दुरुपयोग कर रहे हैं और इस दुरुपयोग के कारण से लोगों में आक्रोश बढ़ते जा रहा है, जिसकी परिणति इस प्रकार की घटनाएं घट रही है। अपराधी कोई भी हो उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी, वो भी पकड़ में आ गया है। अपराधी कितने दिनों तक छिप के रहेंगे, एक न एक दिन तो उनको पकड़ में आना ही है और हमारी छत्तीसगढ़ की पुलिस बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं अपराधी कहीं भी हो पकड़ा जाएगा। घटना बहुत दुखद है, आहत करने वाली है, इसलिए कह रहा हूं मामले को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ होना चाहिए तो अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई, अपराधियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि फिर कोई इस तरह का जघन्य अपराध ना कर सके। ये थी सूरजपुर की पूरी कहानी जो मैंने आपको बता दी।